नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार की तमाम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। बिहार विधान परिषद सभागार में नवनिर्वाचित एमएलसी को शपथ दिलाई गई। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सभी को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं चौथी बार विधान परिषद चुने गए गुलाम गौस ने उर्दू में शपथ ली। सबसे पहले कुमुद वर्मा और अंत में सुनील कुमार सिंह ने शपथ ली। तो आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद सभागार में नवनिर्वाचित एमएलसी को शपथ दिलाई गई। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सभी को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी समेत तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं चौथी बार विधान परिषद चुने गए गुलाम गौस ने उर्दू में शपथ ली। सबसे पहले कुमुद वर्मा और अंत में सुनील कुमार सिंह ने शपथ ली। विधान परिषद में नव निर्वाचित सदस्यों ने आज शपथ ली। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी भी मौजूद रहे। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में लगभग प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाली बहाली प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया। नीरज कुमार और अन्य की रिट याचिकाओं पर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनू कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसंबर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा है कि विज्ञापन निकलने के बाद क्या नियमों में बदलाव हो सकता है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। प्रधानमंत्री के द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने तक बढ़ाने की घोषणा के बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी ने इसे चुनावी स्टंट बताया है और बिहार में होने वाले चुनाव में फायदा लेने की नीयत से की गई घोषणा बताया, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी में छोटी मानसिकता रखने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री की घोषणा सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरी देश के लिए है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि कल के राष्ट्र के नाम संबोधन में अगले 5 महीनों के राशन की व्यवस्था सभी गरीबों के लिए करके उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम सभी को इस बात की चिंता थी कि जो प्रवासी आए उनको भी थोड़ा रोजगार मिलने में समय लग सकता है, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, लेकिन दीनदयाल जी का जो मूलभूत सिद्धांत है अंत्योदय का, उसी को पालन करते हुए एक तरफ मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार देने का मनरेगा के तहत वादा और 5 किलो अनाज और 1 किलो चने का हर महीने अगले 5 महीने तक देने का जो वादा किया है, तो बिहार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार देने के लिए आज हम इस कार्यकर्ता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। पीएम मोदी का फैसला ऐतिहासिक। आज पुरानी सरकार होती तो अनाज के लिए राइट हो जाता। पीएम मोदी का निर्णय गरीबों के लिए है। सीएम नीतीश कुमार ने भी गरीबों को अनाज देने की मांग की थी। यदि हमारी भाषा में पीएम ने ट्वीट किया तो ये हमारे लिए गौरव की बात है।
प्रधानमंत्री ने जी किया, शायद देश के इतिहास में ये अनप्रेसिडेंटेड काम है। ये साधारण चीज पीएम ने नहीं किया है, और ख़ास करके इतनी बड़ी संख्या में जो गरीब आज के डेट में आप समझ रहे हैं कि ये समस्या आज भी मौजूद है, और आगे जो परिस्थिति इमर्ज कर रही है किसी को पता नहीं है कि ये फेज कब ख़त्म होगा। उस समय कम से कम फूड राइट नहीं होगा, नहीं तो नॉर्मल टाइम रहता तो ये तो पुराना समय रहता सरकार का, ये तो फूड राइट करवा देते है ना, अनाज के लिए समस्या हो जाती है ना, इसलिए मेरे ख्याल से ये हिस्टोरिकल डिसीजन है। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने अपनी सरकारी आवास पर आज बिहार के किसानों और जीविका के दीदियों के बीच रेडियो वितरण किया। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए आवास पर कुछ लोगों को ही बुलाकर रेडियो का वितरण किया गया। कृषि विभाग द्वारा बिहार के 1000 किसानों तक रेडियो वितरण करना है। इस मौके पर मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में 89% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 76 लोग की आजीविका कृषि पर आधारित है। बता दें कि बिहार सरकार भी रोड मैप बनाकर किसानों के लिए काम कर रही है ताकि बिहार के कृषकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जाए। विश्वविद्यालय सभा भागलपुर, उनके द्वारा और राज्य में सभी जो कृषि विज्ञान केंद्र हमारे हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, सबों के द्वारा बहुत बेहतर काम किए जा रहे हैं। तो राज्य में कृषि के विकास के लिए कई सर्व प्रकार किए जा रहे हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण योजनाएँ चलाई जा रही है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 10,000 हो चुकी है। आपको बता दें कि कुल संख्या 10,076 हो चुकी है। औरंगाबाद से 2, जमुई से 4, गया से 3, बांका से 2, भागलपुर से 3, दरभंगा से 4, ईस्ट चंपारण से 2, कटिहार से 8, किशनगंज से 2, कैमूर से 5, मधेपुरा से 3, मधुबनी से 11, पटना से 12, सहरसा से 3, वेस्ट चंपारण से 9, सीतामढ़ी से 2, शेखपुरा से 2, रोहतास और सुपौल से 1-1, वहीं नवादा से 2 और गोपालगंज से 1 नए मरीजों की आज पुष्टि हुई है, और इसी के साथ आंकड़ा 10,000 के पार हो चुका है। पटना सिटी के NMCH के कोविड वार्ड में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। 24 घंटे के अंदर अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। मृतक में एक पटना जिला के बार का निवासी है, वहीं एक समस्तीपुर और एक मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। तो बता दें कि आज NMCH में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना सिटी से परमानंद जुड़े हुए हैं। परमानंद जी, जिस तरीके से आज पहली बार मुझे लग रहा है कि बिहार में 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मौत हुई है। शर्मिला बता दी, 24 घंटे नहीं बल्कि 14 घंटे के अंदर ये 3 NMCH में 3 मरीजों की मौत हुई है। एक जो हुई है वो लगभग 12 बजे रात्रि में हुई थी, वो जो समस्तीपुर जिले का था, वो और दूसरी मौत जो हुई है वो मुजफ्फरपुर का जो का था, तो सुबह में हुआ, उसके बाद 10 बजे मतलब 2-3 घंटे के 4 घंटे के अंतराल पर लगातार 3 मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो तीनों मरीजों की जो मौत हुई है ये तीनों बड़ी बीमारी से ग्रसित थे। इसमें एक कैंसर पीड़ित थे जो कि कल ही आए थे अभी कंसर्न संस्थान से, एक PMCH से रात्रि 2:30 बजे आया था, उसकी सुबह में मौत हुई है। और बाढ़ वाले जो 25 तारीख को यहाँ आए थे और उनकी मौत आज हुई है। तो 14 घंटे के में अब तक हुए हैं और 2-3 घंटे के अंतराल पर ये तीनों की मौत हुई है। तो कहा जाए कि ये कोरोना का जो कोरोना तो पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन इनकी बीमारी लंबी बीमारी थी, भयावह बीमारी थी, इस कारण भी मौत हुई है। जी बिल्कुल परमानंद, जैसा कि इन्होंने कहा कि 14 घंटे के अंदर 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, और ये तीनों अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया परमानंद। पटना सिविल कोर्ट में 2 सीनियर वकीलों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। तत्काल प्रभाव से 2 दिनों के लिए सिविल कोर्ट को बंद कर दिया गया है। 2 दिनों तक वकील और लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सिविल कोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है। 2 दिनों तक वर्चुअल कोर्ट चलेगा और सभी काम वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से ही होगा। 3 तारीख को सिविल कोर्ट फिर से खोल दिया जाएगा। पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पटना सिविल कोर्ट का मेन गेट है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मरगूब आलम फोन लाइन से जुड़े हुए। मरगूब जी, सिविल कोर्ट में 2 सीनियर वकीलों को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसके लिए 2 दिनों तक सिविल कोर्ट बंद कर दिया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको पता होगा कि कोरोना संक्रमण लगातार पटना के कई नए इलाकों में फैलता चला जाना जी, हमारे पास जानकारी मरगूब जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। तो मरगूब जी से हमारा संपर्क सही से नहीं हो पाया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल 2 जुलाई तक सिविल कोर्ट में जो वकील थे वो कोरोना संक्रमित पाए गए और इसके लिए 2 दिनों तक सिविल कोर्ट को बंद कर दिया गया। 2 दिनों तक जो कामकाज है सिविल कोर्ट का वो वर्चुअल होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच पटना के पालीगंज में हुई शादी समारोह को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लिहाजा जिलाधिकारी ने मामले में SDO पालीगंज को जांच के आदेश दिए हैं। पटना जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के वर्तमान दौर में अधिकतम 50 व्यक्ति ही किसी सामाजिक समारोह में भाग ले सकते हैं। साथ ही समारोह में सोशल डिस्टेंस के रूप में 2 गज की दूरी मेंटेन करने, मास्क का अनिवार्य प्रयोग करने की आदि की सुनिश्चित अनिवार्य है। बता दें कि पूरा मामला पालीगंज प्रखंड के डीह पाली की है, जहां अनिल कुमार सिंह की शादी समारोह में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए थे, जिसमें करीब 80 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आपको बता दें कि 15 जून को डीह पाली निवासी अनिल कुमार की शादी थी, बारात नौबतपुर गई, 16 जून को बारात लौटी और 17 जून को अनिल कुमार सिंह की मौत हो गई। कोरोना से मौत की पुष्टि के बाद बारात में शामिल 259 व्यक्तियों के सैंपल को कलेक्ट कर जांच के लिए भेजा गया। 29 जून को आए रिपोर्ट में कुल 80 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए, लिहाजा सभी पॉजिटिव मरीजों की कोविड केयर सेंटर बिहटा और बामती में भेजा गया है और उनका इलाज चल रहा है। ब्राइड ग्रूम थे, उनकी मृत्यु हो गई है अचानक से बिना कारण के, तो उसमें पूरी जानकारी प्राप्त की गई और पूरी जानकारी प्राप्त करके उसमें उनके परिवार वालों की जांच कराई गई 2 चरण में। एक बार पहले जांच में 15 लोग पॉजिटिव आए, दूसरे जांच में 79 लोग पॉजिटिव आए। इस प्रकार से कुल 94 वहाँ लोग हैं जो पॉजिटिव आए हैं। उन सभी का इलाज जो है सब रीजनल हॉस्पिटल मसौढ़ी और ESI बीटा में कराया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में लगातार हो रही बारिश के चलते बिहार की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर से बहने वाली गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि से तटवर्ती गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। खतरे से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, तटबंध पर कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हर साल गांव में बाढ़ आती है, सरकार को इससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे गांव वालों को बाढ़ के दंश से निजात मिल सके। निगरानी और चौकसी जारी है। बांधों की सुरक्षा हेतु बालू भरे बोरे का भंडारण पर्याप्त मात्रा में किया जा चुका है और जलस्तर में तो वृद्धि जारी है। बरसात का मौसम है, प्रवृत्ति है, बरसात के मौसम में पानी आएगा ही, लेकिन हम लोग जो है पूरी तैयारी के साथ उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। हर तरह की विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए हम सभी अभियंतागण, कर्मचारीगण, पदाधिकारीगण होमगार्ड के जवानों के साथ सतत चौकसी कर रहे हैं। किशनगंज में महानंदा नदी की वजह से हर एक साल
कई परिवारों का घर छिन जाता है और भूमाफिया कई परिवारों का जमीन हड़प लेते हैं, जिससे ग्रामीण खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस साल भी महानंदा नदी में तीव्र कटाव के कारण कई पंचायतों के लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं कटाव के कारण किशनगंज के बलिया डांगा गांव के दर्जनों आदिवासी परिवारों का घर नदी में विलीन हो चुका है। ग्रामीणों ने परिवार अपना पेट काटकर ग्रामीणों के परिवार ने अपना पेट काटकर आशियाना बनाया था, लेकिन आज खुले आसमान के नीचे वो आ चुके हैं। स्थिति ये है कि वो बेघर हुए लोग बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी जुटा पा रहे हैं। महानंदा नदी के तांडव से इस गांव के किसानों का भी बुरा हाल है। खेती योग्य सैकड़ों एकड़ में भूमि को महानंदा अपने आगोश में समेट चुका है। हालात इतने बदतर हैं कि एक दिन में कई सौ मीटर तक कटाव हो रहा है। लोग बताते हैं कि ध्यान नहीं दिया गया तो पूरा गांव नदी में समा जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि महानंदा नदी ना सिर्फ घर और रोजगार छीन रहा है, बल्कि गांव के बच्चे का बचपन के साथ साथ उसका भविष्य को भी, उनके भविष्य को भी अंधकार की ओर धकेल रहा है। जब पानी आता है तो जो भूड़ पर किसी पर चल जाते हैं ऊपर, और ये जो है पूरा सैलाब रहता है, घर द्वार छोड़ के भाग जाते हैं। और अभी जो है वो तो अभी जो है कटा लग रहा है और बांस गड़के जाता है और वो जो है महानंदा में बहा के चल जाता है। देख रहे हैं, होगा तो बम्बू रोल हम लोग कराएंगे वहाँ पर गांव के आसपास में। हम लोग इस गांव में काम करा रहे हैं ना, सरकार के पास सीमित संसाधन है, उसके अनुरूप प्रायोरिटी बेसिस पर लिया जाता है। पिछले साल यहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं थी, तो अभी हम लोग वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा अटैक कर रहा है वहाँ हम लोग बम्बू रोल कराएंगे, धारा को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए इस तरह से काम करेंगे। बेगूसराय में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बेगूसराय जिले के मटिहानी प्रखंड के चित्रोड़ गांव में गंगा नदी का कटाव तेज हो गया है। तटवर्ती गांवों की दर्जनों महिलाएं अपने घर को बचाने के लिए गंगा तट पर पहुंचकर गंगा मैया को मनाने में जुटी हुई हैं। महिलाएं मां गंगा का पूजा अर्चना कर गांव को बचाने के लिए मिन्नतें कर रही हैं। पंचायत समिति के सदस्य मनोहर कुमार सिंह ने बताया कि जिस हिसाब से कटाव हो रहा है, अगर ऐसे ही कटाव जारी रहा तो उस पर रोक नहीं लगाया गया तो पंचायत के 1000 परिवार और 10000 की आबादी से प्रभावित होगी और गंगा में विलीन हो जाएगी। माय कट रहे हैं, सरकार मदद करिए, और नहीं करेंगी मदद तो तुमको द्वार पर जाकर मर जाएगा बाले बच्चा सहित। कटाव इतना भीषण कटाव हो रहा है कि बगल में जितने घर बने हुए हैं घर के अंदर गंगा जी अब घुसने वाली हैं। हमने सीओ को यात्रा हमाम संदेश भेजा, हमने स्कूटीनियर का लाया, उससे कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है फट फाइटिंग से मैं काम करवाता हूँ। अपने मंत्री जी से कहा मैं, गिरिराज सिंह से, दादा ये सब कटाव हो रहा है, पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा मेरा। हाँ हाँ कर रहे हैं कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है, काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जनता त्राहिमाम में है, कटने के बाद जनता जागी कहाँ? अभी तक सरकार मस्थई का ही औरत, एक कट्ठा जमीन मिला, एक कट्ठा में 5 आदमी का परिवार कैसे रहेगा, ये तो स्थिति बनी हुई है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बाढ़ पर बयान देते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण फ्लड फाइटिंग में समस्या हुई है। आज की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में काफी बारिश हुई है, बागमती और महानंदा खतरे के निशान से ऊपर है, स्थिति कंट्रोल में है, चिंता की बात नहीं है। मैंने बताया आपको कि जब लॉकडाउन का समय था तो थोड़ी समस्या जरूर हुई फ्लड फाइटिंग का, जो एंटी इरोजन का काम है, लेकिन आज तक का जो रिपोर्ट है बारिश काफ़ी हुई है। नेपाल के कैचमेंट में भी काफ़ी बारिश हुई है, खास करके बागमती और महानंदा में, दोनों जगह खतरे के निशान से ऊपर गया। कमला के झंझारपुर में भी इससे ऊपर गया, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के लौरिया प्रखंड के धरवा से शेखटोली गांव जाने वाले मुख्य मार्ग में खनुआ नाला के पास ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से लगभग 4 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण करवाया जा रहा है। धीमी गति से पुल का निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है।
वहीं सिसवनिया गांव निवासी संतोष सिंह ने बताया कि पुल निर्माण में संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य कराया जा रहा है। लगता है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तरह ही इस साल नाले में जब पानी आएगा तो 4 किलोमीटर की बजाय 10 से 12 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। वहीं संवेदक अशोक गुप्ता ने बताया कि लॉकडाउन के चलते कार्य में कुछ विलंब हुआ है। पटना की अदालतगंज में स्मार्ट सिटी कार्य के दौरान तालाब के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था। इसी दौरान 4 बच्चे नहाने के दौरान डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने किसी तरह 3 बच्चों को डूबने से बचा लिया, लेकिन एक मासूम की डूबने से मौत हो गई। उसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और बच्चे के शव की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि तालाब के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर वहाँ कोई इंतजाम नहीं किया गया है। सुपौल सदर बाजार के चकला निर्मली मोहल्ले वार्ड नंबर 27 में एक घर से दंपति की जली हुई शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक दंपति की बेटी ने उसके पिता रामचंद्र मुखिया और माता सुनैना देवी को जलाकर मारने का आरोप लगाया है। बता दें कि अपने सगे चाचा राम लखन और चाची पर भी बच्ची ने आरोप लगाया है। हत्या कैसे हुई और किसने किया इस बात की तफ्तीश सदर पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। मृतक दंपति की बेटी रानी ने अपने चाचा चाची द्वारा किए गए घटना की बाबत बताया कि एक दिन पहले भी जमीन विवाद को लेकर बहसबाजी दोनों भाइयों के बीच हुई थी, जिसमें उसके पिता रामचंद्र को उसके भाई राम लखन ने जान से मार डालने की धमकी भी दी थी। हालांकि मौके पर पहुंची सदर थाने की पुलिस ने जमीनी विवाद को लेकर हत्या करने की प्रथम दृष्टया बताई है। मौके पर मौजूद वार्ड कमिश्नर ने बताया कि वर्षों से दोनों भाइयों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था और कई बार पंचायत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास भी किया गया था। रामचंद्र मुखिया विकलांग थे और जैसा प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इनके भाई रामलखन मुखिया से हमेशा झगड़ा झंझट चलते रहता था। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसी झगड़ा झंझट का ही ये प्रतिफलन है। फिर भी हम लोग हर प्रत्येक बिंदु को जांच पड़ताल कर रहे हैं और सही ढंग से अनुसंधान कर रहे हैं आखिर इसी घटना के पीछे मुख्य क्या कारण है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि छोटे भाई और उसके साथियों का, उसके लोगों का हाथ है। सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड स्थित SFC अनाज गोदाम में रखी गई दाल का वजन बढ़ाने के लिए दाल में पानी मिलाने का मामला सामने आया है। बता दें कि जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि कशिश न्यूज नहीं करता है, लेकिन CPI राज्य परिषद सदस्य ओम प्रकाश यादव के दावे के मुताबिक वायरल वीडियो सहरसा जिले के नौहट्टा SFC गोदाम का है। इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुनाफाखोरों के द्वारा दाल का वजन बढ़ाने के लिए दाल की बोरी में एक छोटी सी पाइप के सहारे किस तरह से पानी मिलाया जा रहा है। बात सिर्फ नौहट्टा की ही नहीं है, जिले के सलकुआ SFC अनाज गोदाम की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। सलकुआ गोदाम में भारी मात्रा में दाल सर गई, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। जिले में बैठे वरीय अधिकारियों की अब तक नहीं टूटी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या फंगस लगी दाल खाने से गरीब बीमार नहीं पड़ेंगे। CPI नेता ओम प्रकाश यादव ने आपदा प्रबंधन विभाग के मुख्य सचिव के नाम जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर सरकारी अनाज में हेराफेरी करने वाले कर्मियों और संलिप्त पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने का चेतावनी भी दिया है। वहीं अनाज गोदाम में दाल में पानी मिलाने के मामले में DM ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पहले भी DSD ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा चुकी है। ये दिखाने के लिए वहाँ के सब ट्रांसपोर्टर के ही एक व्यक्ति जो है वहाँ पे 6-7 बोरा दाल बचा हुआ तो वहाँ पे पानी डालने का प्रयास किया गया। उसका हम लोग चिन्हित भी किए उस आदमी को और इसी कारण से उस जो ट्रांसपोर्टर जो नौहट्टा गोडाउन के DSD ट्रांसपोर्टर देते हैं उनको हम लोग उसका अनुबंध रद्द कर दिए हैं। उस पर FIR भी किया गया है, उसको 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया कर दिया गया है। गया पटना मुख्य सड़क मार्ग NH 83 की जर्जर हालत को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट ने संज्ञान दिया था। इसे लेकर संबंधित जिलाधिकारियों को 15 जुलाई तक निर्माण कार्य करा लेने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद आनन फानन में सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ। कई किलोमीटर तक सड़क बन चुकी है और निर्माण कार्य अभी भी जारी है। स्थानीय लोग सड़क बनने से काफी खुश हैं।
के चाकंद के पास NH-83 इसको बोला जाता है। इस रोड की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि लोग इस सड़क मार्ग से आना जाना बंद कर दिए थे, गड्ढों में सड़क तब्दील हो गई थी। इतनी ज़्यादा स्थिति खराब थी कि खुद हाई कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा और हाई कोर्ट ने इस रोड से संबंधित जिले के अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि 15 जुलाई तक निर्माण कार्य करा लिया जाए, जिसके बाद आनन फानन में इस सड़क मार्ग का निर्माण कार्य शुरू कराया गया। कई किलोमीटर तक यह सड़क बन चुकी है, फिर भी निर्माण कार्य अभी जारी है। हम लोगों से जानते हैं कि जब स्थिति खराब थी, अभी बताइए गया पटना की स्थिति काफ़ी खराब थी, अब बनने लगी इतनी परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। हम लोग दूसरे मार्ग से नहीं जाते, दूसरे मार्ग से जाते थे, आया पटना जाते थे, दूसरे मार्ग से जाने में। तो इस वक्त की बड़ी खबर दानापुर से आ रही है, जहां बेऊर थाना के महावीर नगर में सेप्टी टैंक में 3 लोग बेहोश हो गए। सफाई करने के दौरान 3 लोग बेहोश हुए, 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर दानापुर से आपको बता दें कि बेऊर थाना के महावीर नगर में सेफ्टी टैंक में 3 लोग बेहोश हो गए थे, जहाँ सफाई करने के दौरान 3 लोग बेहोश हुए थे, जहाँ 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर दानापुर से आ रही है, जहां बेऊर थाना के महावीर नगर में सेफ्टी टैंक में 3 लोग बेहोश हो गए। आपको बता दें कि 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दानापुर से हमारे सहयोगी अभय फोन लाइन से जुड़े हुए। अभय, क्या मामला है, सेफ्टी टैंक में 3 बेहोश कैसे हुए? ये देखिए, जिस तरह से बेऊर थाना क्षेत्र के महावीर कॉलोनी में एक सेफ्टी टैंक सफाई में ये 3 उतरे थे, जिससे कि सेफ्टी टैंक में गैस होने के कारण ये 3 बेहोश हो गए। हमें इन लोगों को निकालकर 3 को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ 2 लोगों की मौत हो गई, ऐसा ये प्रशासन की माने तो। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया भाई। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और ब्रेक के बाद देखिए अमर झारखंड सहयोगी करिश्मा के साथ।